अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम, आवाज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अच्छा जो अब आपका कमिंग लेक्चर होगा ना, आज है ट्यूसडे, तो फ्राइडे को आपका लेक्चर होगा जो, तो उसके अंदर आपका मैंने क्विज रखा है। स्टार्ट मैंने जिस आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बी प्रिपेयर्ड, और अभी आपके पास है 3-4 दिन, तो शुरू के जो 6 लेक्चर्स हैं उसमें से मैं सिर्फ MCQs दूंगी। LMS के ऊपर ही आपने उसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करने। MCQs 10% आपकी वेटेज है उसकी, और शुरू के 6 लेक्चर्स जो है ना वो आपकी सिर्फ MCQs भेजूंगी। 20 से 25 में MCQs दूंगी, ठीक हो गया? तो वो आप लोग प्रिपेयर कर लेना, और होंगे LMS के ऊपर ही, टाइम कम होगा तो इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो फ्राइडे को सुबह इसी स्लॉट में, ठीक है? तो वो टाइम मैंने इसी स्लॉट का रखा हुआ, तो इसलिए जो है ना उसमें आना, और सिर्फ अपना फिर बाद में कोई बहाने ना लगाना कि मेरा ये नहीं हो रहा था, मेरा वो नहीं हो रहा। क्विज के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए अपना नेट और प्रिपेयर रखा करो, और नहीं होता तो कहीं से अरेंज किया करो, कुछ भी है, लेकिन एग्जाम के लिए बहाने नहीं। क्लास के लिए चलो हो जाता होता है, लेकिन एग्जाम के लिए इस तरह वहाँ पे नेट अरेंज करो, अपनी लाइट का प्रॉपर वहाँ पे, जहाँ पता है कि अगर लाइट जाती है इस टाइम पे तो कुछ और अरेंजमेंट करके रखो, ठीक है? तो एग्जाम के लिए नो एक्सक्यूज, ठीक है? अच्छा, आज हमारा मेमोग्राफी के टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। आई मीन हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहले एक्सरेज का सारा पढ़ लिया, देन हम मेमोग्राफी की तरफ आए। मेमोग्राफी में हम लोगों ने उसके इक्विपमेंट पढ़ लिए, उसके उससे रिलेटेड उसके फिर डेडिकेटेड आपको पता है ब्रेस्ट इमेजिंग है, ब्रेस्ट की एनाटमी पढ़ ली थी, ठीक है? इक्विपमेंट के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। आज है उसके क्लिनिकल, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेमोग्राफी के ऊपर किस किस तरह का लीजन हमें नजर आता है, और वो लीजन एक तो हम लोगों को उसकी अपेयरेंस कैसी होती है, कि हम लोग कह सकते हैं कि इस लीजन को हम ये कहते हैं, और वो जो अपेयरेंस है वो जो उसकी क्या कह सकते हैं रेडियो पे होते हैं या रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, ठीक है? अल्ट्रासाउंड पे तो हम एकोजेनिसिटीज को रेफर कर रहे होते हैं ना, कि दीज आर एकोजेनिक, दीज आर हाइपोइक्विक, दीज आर एनिक्विक, ठीक है? उनके अपेयरेंस को देखते हुए। लेकिन जो एक्सरेज या रेडियोग्राफी के अंदर हम लोग कोई भी लीजन्स को देखना होता है, उन लीजन्स को हम लोग अकॉर्डिंग टू के वो रेडियोग्राफी अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी हम लोगों ने उनको नेम किया, तो रेडियो ओपेक होते हैं, दे आर वाइट, दे रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, दे आर ब्लैक, ठीक है? फिर उसके बाद मिक्स्ड होते हैं, कुछ उसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको सॉलिड स्ट्रक्चर व्हाइट और ब्लैक दोनों मिल सकते हैं, ठीक है? वो मिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं हर लीजन की, वो शेप्स अकॉर्डिंगली हम लोग फिर आज जो है ना लीजन्स को हम लोगों ने पढ़ना है क्लिनिकली, के वो लीजन हमें नजर कैसे आते हैं, उनका कलर कैसा होता है, और वो इस तरह के अगर लीजन नजर आ रहे हैं तो वो किस प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, वो क्या चीज हो सकती है जिसकी अपेयरेंस इस तरह की है, ठीक है? ये क्लिनिकल, और लास्ट में हम लोगों ने रिपोर्टिंग पैटर्न जो बायरेड्स मैंने आपको बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बायरेड्स को आज हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है? ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो हम लोग इमेजिंग करते हैं ब्रेस्ट की, और जब उसको रिपोर्ट करते हैं, तभी आपने देखा हो कि अगर ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड या फिर मेमोग्राफी की जाती है तो उसको रिपोर्ट बायरेड में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का हुआ स्कैन, उसके बाद रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा होगा प्रोबेबली जो है ना बायरेड 2, ठीक है, बायरेड 3, बायरेड 4, इसको रिपोर्ट किया। वो बायरेड जो है वो 6 तक होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, कि बायरेड 1 किसे कहते हैं, 2 किसे कहते हैं, एंड 6 किसे कहते हैं, ठीक है? क्लिनिकली आज हम लोगों ने सारा लीजन्स को पढ़ना है, मेमोग्राफिकली क्या चीजें हमें मिलती हैं वो चीजें हम लोगों ने पढ़नी है आज, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करते हैं वही चीज दोबारा से फर्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज मेमोग्राफी? इट्स एक्सरे बेस्ड इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट यूजिंग डेडिकेटेड इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड स्क्रीन ट्विन कॉम्बिनेशन। बार बार वही चीजें यूज हो रही हैं कि हमारी सोर्स क्या है, दे आर एक्सरे बेस्ड और डेडिकेटेड ब्रेस्ट इमेजिंग एंड मेमोग्राफी जो है, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज हो रहा है, स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर हम लोग किस तरह उसके ऊपर कंप्रेशन डिवाइस यूज हो रही है, नीचे जो है वो किस तरह उसकी स्क्रीन फिल्म केसेट्स यहाँ पे यूज हो रही है, वो कैसे डिजाइन की जाती है, वो हम लोग इक्विपमेंट के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं।
But what is mammography? Simple two words lining, two word definition, X-ray based imaging and dedicated breast imaging. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ गई इंडिकेशंस. व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर मैमोग्राफी? अब मैंने आपको बताया था कि मैमोग्राफी जो है वो एक्सरे बेस्ड है, एक्सरेज यूज हो रहे हैं, उसके अंदर सोर्स यूज हो रही है, आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज हो रही हैं. एक तो हम लोगों ने उसको एज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि हमने किस एज ग्रुप में मैमोग्राफी करनी है, किस एज ग्रुप में हमने अल्ट्रासाउंड करना है. ठीक है, अब ये आयनाइजिंग रेडिएशन है. ठीक, आयनाइजिंग रेडिएशन हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने यंगर पेशेंट के अंदर अवॉइड करनी होती है कि उनसे कम से कम हम लोग उनको डोज दें. अगर बहुत ऐसा कोई इमरजेंसी केस आ गया जिसके अंदर हमें मैमोग्राफी करनी पड़ गई है, ठीक है, उसके अंदर हम देंगे. अदरवाइज हमने क्या करना है कि यंगर एजेस के अंदर अवॉइड करना आयनाइजिंग रेडिएशन को. ठीक है, इसकी वजह मैं आपको बता चुकी हुई हूँ क्या वजह थी, और आयनाइजिंग रेडिएशन क्यों हम लोग जो है यंगर एजेस के अंदर कोशिश करते हैं कि उनको कम से कम डोज दें. ठीक है, बट मैमोग्राफी की क्या इंडिकेशंस हैं, किस एज ग्रुप में हम लोगों ने मैमोग्राफी करनी है? नंबर वन, स्क्रीनिंग एसिम्प्टोमेटिक वुमेन. अब कोई कंप्लेन नहीं है, 50 प्लस की एज है. ठीक है, 50 प्लस की एज में हमें, मैंने जिस तरह बताया था कि चांसेस हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा. ठीक है, रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो मेनोपॉजल स्टेज जो होती है ना उसमें वो जो होती है ना कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. अगर तो सिम्टोमेटिक है देन तो हम लोगों ने क्लियरली करना ही करना है, उसका मैमोग्राफी करनी है क्योंकि वो सिम्टम्स के साथ है. ठीक है, मैमोग्राफी. लेकिन एसिम्टोमेटिक भी पेशेंट है और एज उसकी हो गई है 50, देन तो हम उसकी स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं. ठीक है, ये एक नंबर वन इंडिकेशन हो गई. लेकिन यंगर पेशेंट में जिस तरह मैंने बताया था कि कोई पेशेंट जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की जाती है फॉर द एसिम्टोमेटिक वो अल्ट्रासाउंड होती है. ठीक है, जो यंग ग्रुप जितना है उसके अंदर हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर अल्ट्रासाउंड करते हैं. स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ, जो हमारे सिम्टोमेटिक होंगे उसके लिए तो ऑब्वियसली वो फिर हम डेडिकेटेड वही करेंगे. स्क्रीनिंग है, एसिम्टोमेटिक है और एज 50 है मैमोग्राफी. देन स्क्रीनिंग एसिम्टोमेटिक वुमेन एज 35 इयर्स एंड ओवर हु हैव अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, 50 पे तो कोई रिस्क पे है नहीं है, कुछ भी है 50 की एज में तो हम लोगों ने स्क्रीनिंग करनी ही करनी है और उसकी मैमोग्राफी होगी. ठीक है, 35 की एज जो कि रिस्क पे है उन पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैमोग्राफी ही करेंगे. और रिस्क फैक्टर कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े थे कि एज रिलेटेड है, फैमिली हिस्ट्री है, हार्मोनल चेंजेस हैं, वो सारी हम लोगों ने लिस्ट एक पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे पास रिस्क फैक्टर्स थे हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर. अच्छा, वुमेन हु हैव वन और मोर फिफ्थ डिग्री रिलेटिव हु हैव बीन डायग्नोस्ड विद द प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, अब हमने मेनोपॉजल स्टेज 50 की जो एज होती है वो तो हमने बता दिया, कंफर्म है कि हमारे एसिम्प्टोमेटिक स्क्रीनिंग में आता है, इस एज ग्रुप में आता है फॉर द इंडिकेशन फॉर द मैमोग्राफी. ठीक है, बट हमारे पास प्री मेनोपॉजल जो एज है उसके अंदर भी हाई रिस्क वाले जो है वो इंडिकेटेड है फॉर द ब्रेस्ट मैमोग्राफी. वुमेन विद अ हिस्टोलॉजिकल रिस्क फैक्टर फाउंड एट प्रीवियस सर्जरी या एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया. अब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हम लोगों की वो करवानी होती है कि उनका चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है और हम लोगों ने उसको फॉलो अप पे रखा हुआ है, कुछ कुछ अरसे बाद हम लोग उसको मैमोग्राफी करवा रहे होते हैं. अगर जो फॉलो अप वाले पेशेंट हैं जिस तरह पहले उसकी कोई प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई हुई है, ठीक है, उसका कोई एक लोब जो है वो रिमूव हुआ हुआ है या पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ हुआ है या कोई एक बीच में स्ट्रक्चर जो है उसकी कोई सर्जरी हुई हुई है तो उसको हम फॉलो अप पे रखते हैं, उसकी भी जो मैमोग्राफी है वो रूटीनली फिर की जाती है टाइम टू टाइम फॉर द फॉलो अप. ठीक है, देन हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द सिम्टोमेटिक वुमेन. अब अगर वो तो हो गए हमारे पास एसिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग वाले, अब जो सिम्टम वाले हैं उनको तो इन्वेस्टिगेट करना ही करना है. ठीक है, 35 की एज में हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद द ब्रेस्ट लंप या उसके पास और कोई इस तरह की हिस्ट्री है, इस कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, फिर निपल डिस्चार्ज है, फिर डिस्टॉर्शन है, उसके चेंजेस हुई हुई है, स्किन की फोल्डिंग हुई हुई है, लंप फील हो रहा है, ये सारी जो है ना ये सिम्टोमेटिक है और एज 35 में कंफर्म हम लोग मैमोग्राफी करेंगे. ठीक है, सर्वेलेंस ऑफ द ब्रेस्ट फॉलोइंग लोकल एक्सीजन ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सस्पिशियस ब्रेस्ट लंप इन अ मैन. ठीक है, मैन में भी हम लोगों ने कुछ पढ़े थे कि वो अगर कोई क्या कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं 60 प्लस की एज में, अगर उन्हें भी कोई लंप फील हो रहा है उनकी भी हम लोग मैमोग्राफी करेंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन. अच्छा, ये दो नॉर्मल व्यूज है. नॉर्मल व्यूज जो हम लोग नॉर्मली करते थे जो मैंने आपको बताया था, एक हो गया सीसी, दैट इज द क्रेनियोपोडल व्यू
बिल्कुल राउंड हम लोग को नजर आ रहा है. एंड द सेकंड वन इज द एमएलओ मीडियोलेटरल ऑब्लिक, जिसके अंदर हमें एक्सिला भी नजर आ रहा है. क्लियर है दोनों इमेज? अगर मैं ये पूछती हूँ तो यू शुड नो व्हाट इज व्हाट आर दीज इमेजेस. ठीक है, वन इज द सीसी एंड अदर वन इज द एमएलओ व्यू. ठीक है, दीज आर द नॉर्मल व्यूज जो कि हम लोगों ने लेने ही लेने हैं. जो एडिशनल व्यू है वो तो मैंने जो लिस्ट बताई थी वो, लेकिन जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं ये दो व्यूज तो हम लोगों ने कन्फर्म लेने ही लेने हैं. ठीक है, फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग. अब ये दो क्या है? दिस वन इज द मैग्निफिकेशन व्यू, जिसमें हम लोगों ने इसको मैग्निफाई किया है. ठीक है, ये देख लो एक हिस्से को हम लोग देख रहे हैं, पूरा ब्रेस्ट नजर नहीं आ रहा, हमने मैग्निफाई करके एक एरिया को देख रहा. दिस इज द मैग्निफिकेशन व्यू. ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर हमें ग्रैंडुलर टिश्यू ज्यादा मिल रहा है. तो ये कौन सा ब्रेस्ट है? वाइट स्ट्रक्चर ज्यादा है ना, ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा हमारे पास इसके अंदर. ये बताएगा मैम, आपने बताया था प्रोडक्टिव एज में ज्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं. आवाज नहीं आई मुझे. मैम रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, फैट्स कम होते हैं. अब बिल्कुल ठीक है, आपके जो यंगर एजेस हैं, रिप्रोडक्टिव एज है, उसके अंदर हमारे पास जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो ज्यादा होता है. ठीक है, जो यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये डेंस ब्रेस्ट है. ठीक है, डेंस ब्रेस्ट जो होता है उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा होता है. तो यहाँ इसको डेंस ब्रेस्ट कह लो. एज रिलेटेड से अगर कंपेयर करें तो हम लोग इसको कह सकते हैं यंगर पेशेंट हैविंग द डेंस ब्रेस्ट. ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा है, कुछ भी कह लो इसके अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर वाइट कंटेंट ज्यादा है, दैट मींस दे आर डेंस एंड दे आर ग्लैंडुलर टिश्यूज. ठीक है, अब इसके अंदर कंपैरेटिव टू द लास्ट स्लाइड, इसके अंदर जो है ग्लैंडुलर टिश्यू थोड़ा कम है. ठीक है, ये अब एज आ गई है 35+ की एज आ गई है. ठीक है, इसमें जो ब्लैक एरिया है दैट इज द फैट. ठीक है, फैट अब ज्यादा आना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, वाइट स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं. ठीक है, और जो हमारे 50 की एज होती है उसके अंदर आप देख रहे हो ये बिल्कुल डेंस ब्रेस्ट नहीं रहा है, अब ये फैट ज्यादा आ गया है. ठीक है, ये हमारे पास प्लस 50 या 50+ की एज में ये ऐसा ब्रेस्ट हो जाता है जिसके अंदर फैट ज्यादा हो जाएगा, ग्लैंडुलर टिश्यू बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये तीनों इमेजेस क्लियर होगी. बिल्कुल वाइट डेंस ब्रेस्ट, देन हमारे पास 35 की एज में आ गए, इसमें हमें फैट भी नजर आ रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी नजर आ रहे हैं. देन हमारे पास जो है एट द एज ऑफ 50 जो हमारे पास है वो फैट ज्यादा है और ग्लैंडुलर टिश्यू कम हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द एबनॉर्मल साइंस ऑन मैमोग्राफी जो कि हम अभी देखेंगे कि लीजन्स अभी नॉर्मली तो हमें ऐसे नजर आ रहे हैं. लीजन्स अगर नजर आ रहे हैं तो वो किस तरह के नजर आ रहे हैं? नंबर वन, या तो वो हमारे पास स्पिक्यूलेटेड मास की अपेयरेंस दे सकता है, उसके अंदर हमारे पास जो उसका बॉर्डर है वो हमारे स्पाइक्स जैसे बनते हैं, स्टार होता है ना, उसके अंदर स्पाइक्स बन सकते हैं जिनको, उस मैस को हम कहते हैं स्पिक्यूलेटेड मैस. और वो कौन कौन से मैस हो सकते हैं वो हम आगे स्लाइड में पढ़ते हैं. इसके अलावा और मैमोग्राफी के हमारे पास मैमोग्राफी के ऊपर क्या क्या नजर आ सकता है? नंबर वन इज द स्पिक्यूलेटेड मैस, आर्किटेक्चुरल डिस्टॉर्शन. ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड मैस. ये मैस हमारे पास तीन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या रेडियोल्यूसेंट जो कि ब्लैक नजर आता है एक मैस, मिक्स डेंसिटी जिसके अंदर ब्लैक व्हाइट दोनों होगा, रेडियो ओपेक जो कि बिल्कुल व्हाइट नजर आएगा. ठीक है, देन हमारे पास मैमोग्राफी पे हम कैल्सिफिकेशन को पिक कर सकते हैं, लिम्फ नोड्स अगर वहां पे स्वेलन है. ठीक है, वो हमें नजर आ सकते हैं. स्किन के अगर कोई लीजन है तो वो हमें मैमोग्राफी के ऊपर नजर आ सकती है. सो दीज आर द एबनॉर्मल साइंस दैट कैन बी डिटेक्टेड इजिली ऑन द मैमोग्राफ. ठीक है, नंबर वन आ गया स्पिक्यूलेटेड मैस. अब ये स्पिक्यूलेटेड मैस जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि दे आर हैविंग अ स्पाइक्स जिनके बॉर्डर जो है वो इररेगुलर होते हैं, वो या तो हमारे पास इन्वेसिव कार्सिनोमा हो सकता है दैट आर इन्वेडिंग इन द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, वो अपने बॉर्डर जो है वो इन्वेड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो स्पाइक्स जैसी अपेयरेंस दे रहे होते हैं. सो दीज आर द इन्वेसिव कार्सिनोमा. या फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी कार्सिनोमाज हैं जिनका बॉर्डर तो इररेगुलर है बट दे आर नॉन इन्वेसिव. ठीक है, फिर हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स क्लेरोसिंग लीजन या रेडियल स्कार. इसमें क्या होता है कि वो अपेयरेंस ऐसे दे रहा होता है कि कोई भी जिस तरह स्कार नहीं होता, जिस तरह उसको क्या कह सकते हैं कि सख्त हो जाता है स्किन, जब सख्त सी हो जाती है एक जगह पे और कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जो है ना एक जगह पे इकट्ठी होके हम लोगों को ऐसा अपेयरेंस दे रहा होता है जिस तरह के उसके अंदर स्पाइक से बने हुए और लीजन पे नजर आ रहा है. ठीक है, सर्जिकल स्कार भी इसी तरह के नजर आ सकते हैं. ठीक है, कोई सर्जरी हुई है उसके स्कार हैं, फाइब्रोमेटोसिस या ग्रेनुलर सेल टिश्यू.
These are some examples of the speculated mass, जिनकी appearance हमारे पास speculated mass है. अच्छा, अब हम लोगों को mammography के ऊपर कभी भी confirm हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसको ये disease है until unless हम लोग उसकी biopsy नहीं करते उस lesion की. हमें ये जरूर पता चल जाता है कि ये जो speculated mass है ये carcinomas हो सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके मार्जिन ऐसे हैं, जिसका कलर ऐसा है, वो कोई बिनाइन हो सकता है, मैलिग्नेंट, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये यही वाला कैंसर है, ये यही वो जब हम उसकी बायोप्सी करते हैं ना लैब में, देन हम लोग को कंफर्म होता है कि ये जो है ना इस तरह का कैंसर है. क्लियर है? सिर्फ हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं तो हम लोग उसकी अपेयरेंस देखते हुए कि ये हो सकता है, ये मैलिग्नेंट लीजन है या बिनाइन लीजन हो सकता है, वो कौन सा लीजन है वो तो हमें कन्फर्म बायोप्सी पे पता चलता है. ठीक है, स्पेकुलेटेड मैस हमारे पास इस तरह के, ये देख रहे हो पूरे ब्रेस्ट में एक व्हाइट कलर का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके यूं स्पाइक्स बने हुए, बिल्कुल राउंडेड नहीं है. ठीक है, तो दिस इज अ स्पेकुलेटेड मैस. ठीक है, ये बिल्कुल राउंड नहीं है, इसके भी यहाँ से यूं है, ये है, इस तरह करके कांटे से निकले हुए स्पाइक्स बनी हुई है. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द स्पेकुलेटेड मैस. ठीक है, ये भी ये देख रहे हो इस तरफ को, ये देख रहे हो. ठीक है, सेकेंड वॉज द आर्किटेक्चुरल डिस्टॉर्शन. इसमें क्या होता है कि आपका लीजन नहीं है वहां पे, समटाइम्स हमें लीजन नहीं मिलता लेकिन वो डिस्टॉर्शन सी हुई हुई है, स्किन की डिस्टॉर्शन, फोल्डिंग हुई हुई है या फिर वहां पे थिकनेस हुई हुई है, तो वो डिस्टॉर्शन जो है, जो खराबी है, वो अपेयर ऐसे होता है जिस तरह वहां पे कोई लीजन होता है. वो जो है कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन या रेडियल स्कार. कार्सिनोमास भी डिस्टॉर्शन वाले अपेयरेंस दे सकते हैं और सर्जिकल स्कार भी हमारे पास डिस्टॉर्शन वाले अपेयरेंस देते हैं. डिस्टॉर्शन का मतलब ही ये है कि उसने उस जगह को खराब मतलब दिखाना है हमें, और जो है वो स्किन की भी हो सकती है, वो अंदर उसके मसल्स की भी हो सकती है. अगर वहां पे सर्जरी हुई है तो आपको पता है जब स्टिचेस लगते हैं तो वो स्किन फोल्ड हो जाती है, तो वो हम लोग को आर्किटेक्चुरल डिस्टॉर्शन. ठीक है, उसका जो नॉर्मली इस तरह नहीं होता वो डिस्टॉर्शन से हुई है. ठीक, अब ये देख रहे हो इसमें हमें लाइंस नजर आ रही हैं. सो दिस इज आर्किटेक्चुरल डिस्टॉर्शन. इस तरह नॉर्मली हमारा जो स्किन का सरफेस है वैसी होती नहीं. ठीक, ये अल्ट्रासाउंड इमेज है, पोस्टीरियर शेडोइंग नजर आ रही है यहाँ पे. ठीक है, अल्ट्रासाउंड में पढ़ेंगे ब्रेस्ट इमेजिंग, तब आपको बताऊंगी कि उस पेपर किस तरह का, लेकिन ये देख रहे हो कि नॉर्मल इस तरह की सर्फेस नहीं होती, ये डिस्टॉर्शन हुई हुई है, आर्किटेक्चुरल डिस्टॉर्शन. ठीक है, ये सरफेस देख रहे हो लाइन स्कारिंग सी हुई हुई है और ये सेंटर में हमें सारी स्किन इकट्ठी हुई हुई है एक जगह पे. देन हमारे पास थर्ड क्या था, सर्कमस्क्राइब्ड मास दैट हैव थ्री पार्ट्स, एक था रेडियो ल्यूसेंट, एक था रेडियो ओपेक, और दोनों को मिक्स कर लो तो मिक्स डेंसिटी. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. रेडियो ल्यूसेंट मैंने भी बताया, दे आर ब्लैक स्ट्रक्चर्स जो हमें ब्लैक से नजर आते हैं, और जो रेडियो पैक है वो हमारे पास व्हाइट स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. ठीक है, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं. रेडियो ल्यूसेंट, इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइपोमा, ऑयल सिस्ट या गैलेक्टोसेल. अभी अगर आप देखो तो ये तीनों जो है हमारे पास फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, लाइपोमा भी लिपिड जो होते हैं उनका ट्यूमर हो सकता है, बिनाइन जो है वो ट्यूमर उसको कह सकते हैं. ठीक है, ऑयल सिस्ट में अगेन हमारे पास जो है फ्लूइड हो सकता है. गैलेक्टोसील जो है वो भी हमारे पास क्या है, सिस्ट है, सील है ना. ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह की अपेयरेंस देते हैं, ये रेडियो ल्यूसेंट अपेयरेंस देते हैं. ठीक है, लाइपोमा, ऑयल सिस्ट एंड गैलेक्टोसील. ठीक, ये बड़ा सा राउंड सा आपको एक गोल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ब्लैक ब्लैक सा, बाकी स्ट्रक्चर ये देखिए व्हाइट है. तो दिस इज अ रेडियो ल्यूसेंट स्ट्रक्चर. अब वी कैन नॉट से कि ये कौन सा ऑयल सिस्ट है, गैलेक्टोसील है, जो भी है, बट हमें इतना पता है कि दिस इज रेडियो ल्यूसेंट स्ट्रक्चर लीजन. अब ये लाइपोमा है. ठीक है, अब ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखें तो ये हमें व्हाइट नजर आता है. ठीक है, और अगर हम लोग इसके ऊपर देखते हैं मैमोग्राफी के ऊपर तो हमें राउंड स्ट्रक्चर विद ब्लैक अपेरेंस उसके अंदर और बिल्कुल स्मूथ उसका मार्जन है. सो दिस इज लाइपोमा. फिर हमारे पास आ गया मिक्स डेंसिटी लीजन. अब मिक्स डेंसिटी लीजन कौन कौन से हो सकते हैं, ये है एडिनोलाइपोमा. अल्ट्रासाउंड में भी तो हमें सिस्ट जो है वो ब्लैक ही नजर आती है. हाँ, बिल्कुल ब्लैक नहीं होगी, जिस तरह के आपको एक वाटर का नजर आ सकता है. ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये कंपैरेटिवली सराउंडिंग स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डार्कर है, लाइपोमा है. ठीक है,
बिल्कुल ब्लैक होगा तो वो हमारे पास सिस्ट होगी, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, दिस इज रेडियोल्यूसेंट, ठीक है। रेडियोल्यूसेंट हमारे पास जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उससे थोड़ा सा डार्कर ही नजर आएगा, और रेडियो ओपेक होता है वो बिल्कुल वाइट नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तीन हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मिक्स डेंसिटी इसके अंदर व्हाइट स्ट्रक्चर और जो है ना ब्लैक स्ट्रक्चर्स दोनों क्लियर नजर आएंगे, ठीक है, मिक्स्ड होते हैं ये। इसमें ये देख लो, ये व्हाइट भी है या ब्लैक भी है, कहीं व्हाइट है कहीं ब्लैक है, ये मिक्स स्ट्रक्चर हम लोग को इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। फिर ये देख रहे हो, ये गोल सा राउंड सा एक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर हमें व्हाइट स्ट्रक्चर भी है कहीं कहीं ब्लैक भी है, दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है, वो बिल्कुल एक जैसा था, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को दोनों मिक्स नजर आ रहे हैं, व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। अच्छा, अब रेडियो पेक हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हाइट, जिस तरह मैंने कहा था वी कैन नॉट डिफरेंशिएट आइदर द लिजन इज बिनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है। वो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज हैं, डिफरेंट हमारे पास लिस्ट हैं कि ये मैलिग्नेंट लिजन्स भी हमें रेडियो पेक नजर आ सकते हैं और बिनाइन लिजन्स भी रेडियो पेक नजर आ सकते हैं, ठीक है। बिनाइन लिजन्स की अगर देखें लिस्ट देखें जो कि हमें रेडियो ओपेक नजर आते हैं, उनमें सिस्ट जितनी है वो रेडियो ओपेक नजर आ सकती हैं, व्हाइट नजर आती हैं उसके ऊपर मेमोग्राफी के ऊपर, बट सिस्ट जितनी भी हैं वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें किस तरह की नजर आती हैं, अनइक्विक नजर आती हैं। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड ऑन द अपीयरेंस ऑफ सिस्ट। सिस्ट भी अब मेमोग्राफी हमें ज्यादातर जो है ना लीजन्स एक जैसे ही नजर, ज्यादातर व्हाइट ही नजर आ रहे होते हैं ज्यादातर जो है ना लीजन्स, अब वो सिस्ट भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास लाइपोमा भी हो सकता है, वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल एक सॉलिड जो फाइब्रोएडिनोमास वगैरह होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइब्रोएडिनोमा जो है ना वो बेसिकली बिनाइन लीजन है, बट वो उसकी अपेरेंस बिल्कुल हमारे पास अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो ग्रेश स्ट्रक्चर सा दे रही होती है, नॉट ब्लैक नॉट व्हाइट, लेकिन वो इतना हार्ड होता है, पेशेंट जो है ना कंप्लेन के साथ आता है कि उसको बहुत ज्यादा हार्ड कोई इस तरह का लंप फील हो रहा है, बट दिस इज अ बिनाइन लीजन, बिल्कुल उसको मार्जिन स्मूथ होता है, बट उसका जो कंसिस्टेंसी है उसका जो हार्डनेस है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेडियो हमें ज्यादातर मेमोग्राफी के ऊपर हम लीजन जो है वो व्हाइट ही नजर आते हैं, वो आइदर वो सिस्ट भी हो सकती है, वो आइदर वो हमारे पास जो है वो सॉलिड भी हो सकती है। तो ये जो हमारे पास लिस्ट है बिनाइन और मैलिग्नेंट की, दीज आर सम लिस्ट ऑफ रेडियो ओपेक लीजन, ये सारे हमें व्हाइट नजर आएंगे। बिनाइन अगर है तो सिस्ट, फाइब्रोएडिनोमा, एब्सेस, पेपिलोमा, ये जितनी भी हमारे पास है ना ये है बिनाइन लीजन, और मैलिग्नेंट लीजन के अंदर ये कुछ कार्सिनोमास हैं, लिम्फोमास हैं, ठीक है, मेट्स हैं, ठीक है, रिकरेंट ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, ये जितने भी ये मैलिग्नेंसी की तरफ हमें बता रहे हैं, दीज आर ऑल्सो रेडियो ओपेक। बट जो ग्रेट डिफरेंस है दोनों का कि हम बिनाइन या मैलिग्नेंट कह सकते हैं उनको, वो उनकी मार्जन होती है। इफ द मार्जन आर इरेगुलर दे आर मैलिग्नेंट, इफ द मार्जन आर राउंड, ठीक है, और रेगुलर मार्जिन होंगे, दीज आर बिनाइन लीजन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक फाइब्रोएडिनोमा, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रेश स्ट्रक्चर देता है, बहुत ब्लैक बहुत व्हाइट नहीं देता ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे देखो तो आपको ये बिल्कुल वेल डिफाइंड मार्जिन इसके नजर आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल राउंड है, और अगर आप इधर देखो तो ये हमें बिल्कुल इस तरह का राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ लंप जो कि पेशेंट कंप्लेन के साथ आया था, सो ये फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोमास मैंने खुद देखे हुए, इस वजह से मैं आज इसको क्लियरली पिक कर सकती हूँ, ठीक है। तो फाइब्रोएडिनोमास ऑन अल्ट्रासाउंड विल अपीयर लाइक दिस, ग्रेइश विद अ राउंड मार्जिन, स्मूथ मार्जिन, ठीक, और ये हमारे पास मेमोग्राफी के ऊपर इस तरह के लीजन नजर आएंगे राउंड, ठीक है। आपने बिनाइन और मैलिग्नेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने मार्जिन को ही देखते हुए देख करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है थोड़ा ब्लैकिश या रेडियो पेक या रेडियो लूसेंट नजर आ रहा है, तो वो जो है वो जो है उसको आप कंफर्म नहीं कह सकते कि ये जो है मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, अंटिल अनलेस आप उसकी बायोप्सी नहीं करवाते, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाइट देख रहे हो स्ट्रक्चर गोल गोल बड़े बड़े से, ये और ये, दीज आर रेडियो ओपेक और विद स्मूथ मार्जिन, सो बिनाइन लीजन, कोई बिनाइन लंग हो सकते हैं। ये एक बड़ा हुआ बहुत बड़ा सा व्हाइट कलर का, बायोप्सीज जो है ना वो कंफर्म करेंगे ये व्हाइट रेडियो पे एक पड़ा हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास डिफरेंट टाइप की कैल्सिफिकेशन है, कैल्सिफिकेशन विल अपियर व्हाइट ऑन द अल्ट्रासाउंड, सॉरी मेमोग्राफी, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू देयर शेप हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कैल्सिफिकेशन है. ये हमारे पास जिस तरह इनकी, अगर आप, मैं साथ साथ इमेज दिखाती जाऊंगी आगे, लेकिन अगर आप इनके नेम देखो, नंबर वन इज द स्किन कैल्सिफिकेशन, जिसको डर्मल कैल्सिफिकेशन कहते हैं. वो हमारे जो नीचे सॉफ्ट टिश्यू है उसको इंक्लूड नहीं करती, सुपरफिशियल लेयर हमारी स्किन की है उसको इन्वॉल्व करेगा और उसकी कैल्सिफिकेशन होगी. सो दिस इज नोन एज स्किन कैल्सिफिकेशन या डर्मल कैल्सिफिकेशन. देन हमारे पास है वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन. ये वेसल्स पूरी, हमारे पास इलॉन्गेटेड वेसल्स होती हैं, पूरी की पूरी वेसल्स कैल्सिफाइड नजर आएंगी. फिर हमारे पास है कोर्स या पैपकॉर्न लाइक कैल्सिफिकेशन, ठीक है. फिर हमारे पास है लार्ज रॉड लाइक कैल्सिफिकेशन, राउंड कैल्सिफिकेशन, ल्यूसेंट सेंटर कैल्सिफिकेशन, एग शेल कैल्सिफिकेशन, मिल्क ऑफ कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम कैल्सिफिकेशन, सूचर कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन या पंक्चुएट कैल्सिफिकेशन. अब ये नेम के साथ इंडिकेट कर रहा है हर एक की कि वो किस टाइप की कैल्सिफिकेशन है, ठीक है. अगर आप ये देखो तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है. ये हमारी स्किन के अंदर डर्मल कैल्सिफिकेशन है, ठीक. नंबर टू, ये हमारे पास आपको इलॉन्गेटेड लंबी लंबी सी व्हाइट कलर की लाइंस नजर आ रही हैं. ये कौन सी हो सकती हैं? दीज आर वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन, ये वेसल्स के अंदर कैल्सिफिकेशन हुई है, ठीक है. देन हमारे पास ये पॉपकॉर्न लाइक, जिस तरह की अपेयरेंस होती है ना, पॉपकॉर्न होता है, ठीक है, उस तरह की कैल्सिफिकेशन हुई है, जिसको कहते हैं पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, ठीक है. ये हमारे पास कौन सी कैल्सिफिकेशन है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारे पास आ गई है लार्ज रॉड लाइक कैल्सिफिकेशन या राउंड कैल्सिफिकेशन, ठीक है. ये कौन सी कैल्सिफिकेशन है? ये हमारे पास आ गई लार्ज रॉड लाइक कैल्सिफिकेशन, ठीक है. एक ये वाली हो गई राउंड कैल्सिफिकेशन, और ये हमारे पास रॉड के जैसे छोटे छोटे रॉड्स होते हैं ना, उनकी कैल्सिफिकेशन, ठीक है. ये डक्टल, डक्ट्स के अंदर हमें कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है, ठीक है. कहीं है कहीं नहीं है. अगर इलॉन्गेटेड पूरी है तो वैस्कुलर है, अगर डक्टल है तो वो इस तरह छोटी छोटी सी हमें रॉड, जिस तरह मतलब कहीं है कहीं नहीं है पूरी, एक इलॉन्गेटेड वो नहीं मिलेगी. डक्ट तो वैसे आपको पता ना किस तरह की होती है, ठीक है. तो ये डक्टल कैल्सिफिकेशन. डर्मल कैल्सिफिकेशन, जिस तरह पहले इमेज में दिखाया था, कहीं पे आपको नजर आई थी कहीं डॉट डॉट से, यहाँ 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 यहाँ, वो स्किन के अंदर कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास है दूसरी टाइप की कैल्सिफिकेशन, दिस इज एमोर्फस और डिस्टिंक्ट कैल्सिफिकेशन, जो कि हमारे पूरी के पूरे एरिया को जो है वो कैल्सिफाइड कर सकती है. ये जो स्पेसिफिक एरिया है ना कि उसकी शेप इस तरह की मिल रही है, ये हमारे पास कैल्सिफिकेशन की वो फॉर्म है जिसके अंदर हमें कैल्सिफिकेशन ज्यादा नजर आती है. आधे से ज्यादा इंटरमीडिएट जो हमारा ब्रेस्ट है, दिस इज कैल्सिफाइड, ठीक. अब ये जो है ना, ये हमने मैग्निफाइड इमेज के अंदर पूरा ब्रेस्ट को मैग्निफाइड किया हुआ, उस एरिया के अंदर हमें कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं एक ही जगह पे क्लस्टर्ड की फॉर्म में. सो दिस इज एमोर्फस कैल्सिफिकेशन. हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी, क्या कैल्सिफिकेशन हमें ये बताती है कि दिस इज लीडिंग टू वर्ड्स द मैलिग्नेंसी, ये मैलिग्नेंट, उसके अंदर कोई लीजन मैलिग्नेंसी है, ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं कि हमें लीजन्स नजर नहीं आते, बट ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन हम कह सकते हैं कि वो हाई प्रोबेबिलिटी है मैलिग्नेंसी की, ठीक है. उसके अंदर क्या होता है, ग्रैनुलर या फाइन लाइन या लाइन लीनियर ब्रांचेस अगर हमें नजर आ रही हैं तो दिस इंडिकेट्स मैलिग्नेंसी. अब ये ऑपोजिट है, अगर हमें बड़ा बड़ा कैल्सिफिकेशन नजर आ रही हैं तो वो बिनाइन है, अगर हमें छोटी छोटी कैल्सिफिकेशन और बहुत सारी नजर आ रही हैं तो वो मैलिग्नेंट है, ठीक है. देख रहे हो, छोटी छोटी कैल्सिफिकेशन और इतनी ज्यादा कैल्सिफिकेशन है और बिल्कुल छोटी छोटी. अगर हमें बड़े बड़े इस तरह के कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं कहीं कहीं पे, तो वो बिनाइन हमें होते हैं ज्यादातर इस तरह के. ये छोटे छोटे जितने स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो हमारे पास मैलिग्नेंसी शो करते हैं कैल्सिफिकेशन के, ठीक है. ये सारे, और ये लास्ट स्लाइड है हमारी बायरेट्स की, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रिपोर्ट करते हैं ब्रेस्ट को तो हम उसको बायरेट्स में कैटेगराइज करते हैं. वी हैव सिक्स कैटेगरी, 0 से 6 तक होती है, ठीक है. उसमें क्या होता है कि अगर हम पेशेंट स्कैनिंग के लिए आया और उसको कैटेगरी 0 दे दिया है, तो उसके क्या उसका क्या मतलब है कि उसको नीड एडिशनल इमेजिंग इवैल्यूएशन, या फिर उसको हमें कुछ भी नजर नहीं आया, या सिंपल वर्ड में कह लो कि कुछ भी नजर नहीं आया, इट्स अ नॉर्मल स्टेज, ठीक है. कुछ भी नहीं है उसको, कुछ भी नहीं है, दैट इज द 0 कैटेगरी. कैटेगरी 1 जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, कि उसका जो अगर वो कंप्लेन के साथ आ रहा है तो वो हमारे पास कंफर्म जो है वो नेगेटिव है, उसको कोई ऐसा
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास टू है, किसी लंप के साथ आ रहा है और वो लंप हमें जो है उसके ऊपर हम लोगों ने स्कैनिंग की और वो हमें राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और जो हमारे पास बिनाइन की कंफर्म हमारे पास जो रिपोर्टिंग के लिए वो होती है, वो हमारे पास क्या है कि वो बिनाइन फाइंडिंग है, ठीक है, कंफर्म बिनाइन फाइंडिंग। टू कैटेगरी तक हमारे पास कंफर्म बिनाइन है, जीरो नो नीड ऑफ एनी एडिशनल इमेजिंग, ठीक है, वो हमारे पास कुछ नजर नहीं आया। कैटेगरी वन इज नेगेटिव कंफर्म, कैटेगरी टू इज बिनाइन फाइंडिंग, कैटेगरी थ्री इज प्रोबेबली बिनाइन। वी कैन नॉट से, लेकिन हमारा ज्यादातर जो परसेंटेज है वो बिनाइन की तरफ है, लेकिन उसको फिर हम फॉलो अप पे रखते हैं कि आपने 6 महीने बाद आके बिफोर स्कैन करवा लेना है, उसको कैटेगरी हम 3 देंगे, ठीक है। प्रोबेबली बिनाइन है, बिनाइन ही लग रहा है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा भी डाउट अगर हो रहा है किसी भी वजह से, तो हम उसको कह देंगे कि आप 6 मंथ बाद, एक साल के बाद आके दोबारा स्कैन करवा लेना, है बिनाइन ही, ठीक है, लेकिन फॉलो अप पे आपको रखा जाएगा। तो दिस कैटेगरी इज नोन एज 3। कैटेगरी 4 जो है वो सस्पिशियस एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, वो हमें लग रहा है कि ये कोई बिनाइन नहीं है, ये मेलेग्नेंसी की तरफ जा रही है, तो इसकी जो है ना बायोप्सी करवानी पड़ेगी। करवाई नहीं है, उसको हम रिपोर्ट करके देंगे कि सस्पिशियस लीजन है, हमें लग रहा है कि यह कोई सस्पिशियस लीजन है, तो आप बायोप्सी करवा लें, तो उसको हम कैटेगरी 4 लिखेंगे। कैटेगरी 5 क्या है, हाईली सजेस्टिव ऑफ मेलेग्नेंसी, ठीक है, हमें कंफर्म लग रहा है कि ये जो है ही मेलेग्नेंसी। अगर हम लोग उसकी विजुअलाइजेशन पर देखें, हमें स्पेकुलेटेड मास नजर आ रहे हैं जो कि हमें एक अल्ट्रासाउंड के ऊपर या मेमोग्राफी के ऊपर कंफर्म हमारे पास है कि ये मेलेग्नेंसी ही इसी तरह की होती है, तो उसको कैटेगरी 5 देते हैं। कैटेगरी 6 है बायोप्सी प्रूवन मेलेग्नेंट लीजन, पेशेंट आया, उसने बायोप्सी भी करवा ली है, उसका साथ टेस्ट भी हुआ हुआ है, वो कंफर्म मेलेग्नेंसी जो है ना उसको हम कैटेगरी 6 लिखेंगे, कि उसने बायोप्सी, उसका जब स्कैन करवाया स्कैन में और उसकी बायोप्सी भी हुई हुई है, बायोप्सी में भी उसकी मेलेग्नेंसी कंफर्म है, तो दिस लीजन जब उसको रिपोर्ट करेंगे तो वो बायोप्सी प्रूवन जो हमारे पास मेलेग्नेंसी है, दिस इज कैटेगरी 6, ठीक है। सो ये जो हम लोगों की बायरेट्स कैटेगरीज हैं, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लीजन की उसके ऊपर देखते हुए कैटेगराइज करते हैं और उसको रिपोर्ट इस तरह करते हैं कि ये इस कैटेगरी में फॉल करता है या इस कैटेगरी में। यह आपने अच्छे से याद कर लेना है, ये मैंने पूरे उसमें सबसे बायरेट सुने हैं 0 से 6 तक, ठीक है। 2 जो होती है वो बिनाइन फाइंडिंग है, 3 जो है प्रॉबेबली बिनाइन बट शॉर्ट इंटरवल फॉलो अप पे उसको रखवाया जाता है, 4 सस्पिशियस एबनॉर्मलिटी है, उसको बायोप्सी का कहा जाता है, 5 सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी, अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन, और 6 जो है वो बायोप्सी प्रूवन मेलिग्नेंट लीजन। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे लीजन है जो कि मेमोग्राफी के ऊपर हम लोगों को नजर आते हैं, कुछ कैल्सिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर नेम। अगर मैं इमेज आपको दिखाती हूँ, उनकी पिक्चर्स अच्छे से देख लेना कि डर्मल कौन सी होती है, कहीं कहीं स्पॉट नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो क्लियरली हमें नजर आ रही हैं कि ये ऐसी हैं या वैसी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वेस्कुलर हैं, क्लियर हैं, ठीक है, इलोंगेटेड वेसल्स के अंदर पूरी कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास क्लस्टर्स की फॉर्म में डिफरेंट जगह पे नजर आ रहे हैं एरियाज, वो एमोफस कैल्सिफिकेशन हैं। फिर हमारे पास डक्टल हैं, डक्टल में भी हमारे पास छोटी छोटी सी वो लाइंस जो है वो नजर आ रही है, लाइंस की तरह, ठीक है, वो डक्ट्स के अंदर कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन देख ली हम लोगों ने, 3 जो है हमारे पास सर्कमस्क्राइब्ड लीजन्स जो है वो रेडियो ल्यूसेंट रेडियो पे, वो हमें कौन कौन से किसके अंदर कैसा नजर आता है, ठीक है, वो आप याद कर लेना, सिंपल नेम्स है। क्लिनिकली हम लोग इतना उसमें नहीं जाते हैं, बिकॉज ये सारा डॉक्टर्स के ऊपर होता है, ये डॉक्टर्स ही रिपोर्ट करते हैं। हमने इमेजिंग करनी है, हमें किस तरह की चीज नजर आ रही है, उसकी डिस्टॉर्शन अगर नजर आ रही है तो व्हाट आर दिस डिस्टॉर्शन, उसकी स्किन लीजन, उसके बॉर्डर्स किस तरह के नजर आ रहे हैं, उसकी अपेयरेंस कैसी है, आपने बस रिपोर्ट करके लिख दिया कि दिस इज रेडियो ल्यूसेंट, दिस इज रेडियो ओपेक, दिस इज दिस। आगे जो है वो रिपोर्ट वो जो है खुद करेंगे, रिपोर्टिंग जो करते हैं डॉक्टर्स के, ये इस तरह का अगर लीजन नजर आ रहा है तो ये है वो रिपोर्टिंग के लिए डॉक्टर्स बैठे। क्लियर है, आप इमेजिंग वाले हो, आपने इमेज करना है, आपको नजर किस तरह की चीज आ रही है वो आपने देखनी है। क्लियर है, तो आज हमारा मेमोग्राफी का लेक्चर खत्म हो गया है, दैट मींस कि हम लोग एक्सरे से निकल के मेमोग्राफी कंप्लीट। 3rd हमारा जो था वो फ्लोरोस्कोपी है, वो बस एक लास्ट हम लोगों का रीजन रह गया है, अब उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फ्लोरोस्कोपी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फ्लोरोस्कोपी, एक्सरे की ही फॉर्म है, वो स्टैटिक इमेजिंग थी, ये हमारे पास लाइव इमेजिंग दे रहा होता है, हम लोग बार बार देख रहे होते हैं लाइव इमेजिंग में, या डायनामिक इमेजिंग उसको कहते हैं, ठीक है, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स किए जाते हैं उस इमेजिंग में, तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं वो एक एक लेक्चर में हम लोग कम्प्लीट करेंगे, GI ट्रैक के, गायनी के, ठीक है, वो सारे हम लोग कम्प्लीट करके और हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सा छोटा सा लेक्चर,
मैम हमारे टोटल कितने लेक्चर्स होंगे इसके? आज कौन सा 9 है तो आई थिंक 20 है टोटल, 10 और होंगे। एक फ्लोरोस्कोपी का मशीन के बारे में होगा, फिर हमारे पास कुछ रीजन हैं जिसमें एक जीआई ट्रैक, एक वो हो गया, एक गाइनी हो गया, ठीक है। एक हमारे पास जीआई ट्रैक में भी हमारे पास डिफरेंट है कि अपर जीआई के लिए, एसोफिगस के लिए कौन कौन सा स्कैन करते हैं, फ्लोरोस्कोपी का कौन सा स्कैन होता है, बेरियम स्टडीज इतनी, स्टमक के लिए और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, जीआई के लिए हो गया। फिर हम लोगों ने वो पढ़ने हैं, गाइनिंग के कुछ पढ़ने हैं, हिस्टेरोसर्पिंजियोग्राफी वगैरह। फिर हमने बिलरी ट्रैक के पढ़ने हैं, ठीक है, लिवर, और उसके हमारे पास बिलरी ट्रैक में भी कुछ स्कैन किए जाते हैं, ठीक है। तीन चार ये हैं। लास्ट में हमारे 2 लेक्चर जो है एक आर्टिफैक्ट्स पे होंगे, सारी रेडियोलॉजी के जितने आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। एक वो होगा लेक्चर, एक हमारा होगा वो उसके ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जितने हैं रेडियोलॉजी के, क्योंकि हम रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा से जो भी है उससे स्टार्ट किया। फिर आगे बड़ी मोडालिटीज तो आप डेडिकेटेड पढ़ोगे तो उससे ही होगा। ये सिर्फ आपका बेसिक एक्सरेज है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एडवांसेस शुरू हो जाती हैं, सबसे बेसिक एक्सरेज, एक्सरेज के बाद मैमोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी, और उसके बाद फिर सीटी स्कैन, फिर उसके बाद आगे हमारे पास पेट स्कैन, पेट सीटी, फिर एंजियोग्राफी, फिर हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन की तरफ से ले जाते हैं वो गैमास की रेडिएशन है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास MRI है, अल्ट्रासाउंड है, डिफरेंट हमारे पास मोडालिटीज एंड डेडिकेटेड। सो जो बेसिक चीज जो है ना वो हमारी एक्सरेज, एक्सरेज का प्रोडक्शन, एक्सरेज का सारा पता होना चाहिए, व्हाट आर एक्सरेज, आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, शुरू के लेक्चर्स जितने वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमारा 45 कितने मिनट का लेक्चर होता है, 45, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, आपका सिर्फ 20 अगर मैं देती हूँ ना आपको MCQs, 20 से 25, तो 30 seconds का एक, अगर 30 seconds भी ज्यादा होंगे MCQ के लिए तो वो आप 10 से 15 मिनट्स आपके पास टाइम होगा वो कंप्लीट कर लेना। और मैं टाइम रख दूंगी कि इस टाइम से इतना, जिस तरह 9 बजे, 9:30 हमारी क्लास शुरू होती है ना, तो 9:40 तक जो है वो आप अपना ये करके आ जाना, फिर आगे हम क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो आपका टाइम मैं रखूंगी उतना, तो आप बस 20 MCQs होंगे, फटाफट से उधर क्लिक करके फटाफट से LMS के ऊपर आ जाना, और बेसिक सी चीजें होनी है जो हमारे शुरू के लेक्चर्स हैं, एक्सरेस के बारे में, एक्सरेस की प्रोडक्शन, आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे प्रोडक्शन, एनोड किस मटेरियल का, ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें जो ना अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये आप इस वीक में हम लोग ये इंशाल्लाह करते हैं। फिर हमने आपको, मैंने असाइनमेंट देनी है, फिर वो असाइनमेंट भी करनी है, और ये इस वीक में जो है ना फ्राइडे को आपका क्विज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में, क्योंकि तैयारी तो आपने 6 लेक्चर्स की अच्छे से की होनी है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगाने हैं, तो ड्यूरिंग क्लास इन्हीं प्रीवियस लेक्चर्स के 1-2 क्वेश्चन मैं पूछ लिया करूंगी, ठीक है। वो आप लोगों ने प्रिपेयर तो किए होने हैं, तो वो 1-2 लेक्चर बस कुछ भी बता दो कि एनोड किस मटीरियल का होता है, अगर वो MCQ नहीं मैंने दिया था तो, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ कि अच्छा बताओ मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, ये बताओ एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है एक्सरे की, ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, ठीक है, और फोकसिंग कप क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरे के बाद हमने नॉर्मल व्यूज कौन कौन से लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह के मेजर बेसिक से क्वेश्चन जो है ना वो हम लोगों ने पढ़े हुए, वो मैं क्लास में के आपसे पूछ लिया करूंगी। नेक्स्ट वीक बी प्रिपेयर्ड, ट्यूजडे से जो क्लास होगी होश में रहना, मैंने क्लास में लेके आनी है, एक असेसमेंट ये हो जानी है, और फिर अगले जो है ना मैंने पूरी क्लास में सबके ले लेनी है ये, ठीक है, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स उसमें लगा दूंगी। और फिर उसके बाद एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगी आपको मैं, ये हो जाए कोई 12-13 लेक्चर हो जाए फिर मैं असाइनमेंट एक दूंगी, ठीक है, वो 3 तो हमारे हो जाएंगे, ठीक। फिर अब आपके सेशनल शुरू हो गए हैं सारे, तो बी प्रिपेयर्ड। मैम 7 से यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, कब से कह रहे हैं? 7 जून से। मुझे अभी तक कुछ इसका आइडिया नहीं है, कोई ईमेल नहीं आई है यूनिवर्सिटी की, आपको आई है कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल? मैं अभी तक तो नहीं आई, लेकिन 7 जून तक कह रहे हैं, सब देखें आप। हाँ, जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म है कि ईमेल नहीं आती, हम तो बिलीव नहीं करते, क्योंकि बार बार चेंज होती रहती है, बताते रहते हैं, तो अच्छा है खुले यार, मुसीबत डाली हुई है यूँ, ना कुछ समझ आती है किसी को, ना कुछ मतलब, एक प्रैक्टिकल चीज़ें भी नहीं हम लोग करवा सकते, बच्चे आधे सुन रहे होते हैं आधे नहीं सुन रहे, एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क हो गया, मैं कहती हूँ कोरोना में तो। yes. खुले आप, एक रूटीन होती है स्कूल,
गया मैं स्कूल तो आज से शायद स्कूल खुल गए हैं डिफरेंट लाहौर के शायद नहीं खुले बाकी डिफरेंट सिटीज में तो स्कूल भी खुल गए हैं वो चल रहा है अब सिस्टम सारा आहिस्ता आहिस्ता खुलना स्टार्ट हो गया तो खुल जाएगा मुझे लग रहा है मैम हमें मेल आई हुई है क्या आई है कंफर्म ईमेल है कि आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं मैम रजिस्ट्रार यूएमटी की तरफ से आई है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके 7 जून को स्टार्ट हो रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली अभी कंफर्म नहीं है ना मैम कंफर्म नहीं कहा हां जी मैम आपसे बोलना था कि क्विज का टाइम थोड़ा कम नहीं है 30 seconds एक एमसीक्यू के लिए क्योंकि हम जब नेक्स्ट करते हैं तो उसको उसी में इतना टाइम लग जाता है कि हमारा तो वो एमसीक्यू ही मिस हो जाएगा नहीं नहीं देखो 30 भी ज्यादा है एक जब आप पढ़ते हो ना फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं मैं बहुत छोटी छोटी कोई उस तरह सिनेरियो बेस नहीं दे रही क्वेश्चन ठीक है तो उसमें आपको 5 seconds लगते हैं आपको एक रीड करो चार ऑप्शन है और फटाफट से आपने क्लिक करना होगा मैम वो ठीक है लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारा जो LMS है ना उस पे जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है नहीं वो आपका टाइम उसमें इंक्लूड नहीं होता होता जब आपका आपके सामने आता है ना क्वेश्चन आता है टाइम उस वक्त स्टार्ट होता है जब आपके पास नया क्वेश्चन आएगा फिर टाइम स्टार्ट होगा नया वो जो आपका वो जो LMS को ऑन करने में वो टाइम उसमें नहीं इंक्लूड होता ये टाइम हम लोग सिर्फ MCQ की विजुअलाइजेशन पे लगाते हैं कि ये MCQ कितने टाइम बाद नजर नहीं आएगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पेपर्स दिए थे तो उसमें हमारा जो टाइम था अगर 4 बजे का टाइम था तो वो एग्जैक्टली 4 बजे भी ओपन नहीं होता था तो हम लोग उसको रिफ्रेश करते रहते थे कि हमारे पास स्टार्ट नाउ की ऑप्शन आएगी तो वो कोई हमारे पास 4 मिनट या 5 मिनट के बाद जाकर ऑप्शन आता था कि अब स्टार्ट नाउ कर दो और जब हम स्टार्ट करते थे तो वो टाइम ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता था और जब हमने लास्ट तक करते थे कि हमारे पास अभी 2-3 मिनट होंगे तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे बंद हो जाता था ऐसे मैंने पूछा है बाकी सबसे भी ना वो कह रहे हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमारी तरफ तभी तो मैंने LMS के ऊपर इसको रखा है जो है मे बी अब जो है उन्होंने काफी LMS भी नया वो किया चेंजेस किए हैं उसके अंदर ठीक हो गया और बेहतरी हो गई उसमें लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपको कोई प्रॉब्लम आएगा आप बस कोई एक्सक्यूज ना मुझे दो प्लीज तो जो है ना जिस तरह के हैं कि अगर 10% आपकी वेटेज है थोड़े से MCQ 20 MCQs देने हैं तो समझ लो कि 2 MCQ का 1% आएगी तो वो आपके नंबर भी आपको साथ साथ ही पता चल गए हैं ठीक है अगर आपने 2 गलत किए हैं तो आपका 1% रेट कम है वो LMS के ऊपर आपको टाइम मैं बता दूंगी ठीक है ईमेल कर दूंगी क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में है ना कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका वो होने हैं क्या कहते हैं टेस्ट होना है क्विज होना है तो वो उस टाइम को आप देख लेना ईमेल आएगी कि इस टाइम से इस टाइम तक LMS के ऊपर आपका वो ऑन होगा तो ठीक है पहले से नेट शर्ट जरा अच्छा सा लगा के रखना ताकि आप उस तरह की कोई मसला ना हो मैं पहले बता दूँ एग्जाम्स में नो एक्सक्यूजेस चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगी आपको बता दूंगी आपको ईमेल करके Be prepared. 6 lectures शुरू के अच्छे से पढ़ना MCQs होंगे और LMS पे ही होंगे टाइम होगा 30 seconds फॉर ईच MCQ बहुत लंबे नहीं होंगे कि आपको टाइम लगे इनको बहुत ईजी से होंगे जल्दी जल्दी से आप कर लोगे ठीक है बस अपना बेसिक सारी चीज़ें क्लियरली अच्छे से पढ़ के आना और उसके बाद जो है आपकी फिर नेक्स्ट वीक में मैं इसी तरह क्लास की पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी लगानी है वो एक एक क्वेश्चन आपसे क्लास में पूछ लूँगा ठीक है चलो ओके टेक केयर बेटा अल्लाह हाफिज़